कि जीवन में मेरा बड़ा सबसे बड़ा सौभाग्य जो है वो ये है कि मुझे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का मौका मिला। और अगर कोई मुझसे पूछे कि और आपका सौभाग्य क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ना और पश्चात उसके कार्यकर्ता के तौर पर काम करना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं ये बड़े विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग आज यहां बैठे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, कि आपके लिए भी बड़ा ये सौभाग्य का विषय है, बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारा देश एक महान देश है। इस देश की उच्च परंपराएं, हमारे देश की संस्कृति का यशोगान पूरे विश्व में गाया जाता है। इस संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए पूरे विश्व में शोध होते हैं। इस संस्कृति को जानने के लिए, इसको समझने के लिए कितने ही लोग विदेश से आकर के भारत का रुख करते हैं। भारत विश्व गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान किसी को प्राप्त करना है, तो उसको अगर कहीं जाना है तो बिना सोचे समझे कोई भी उत्तर देगा, कोई भी जवाब देगा कि भाई अगर आपको सर्वोच्च ज्ञान हासिल करना है तो आपको भारत भूमि का रुख करना पड़ेगा। हमारी उच्च परंपराएं, हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च मूल्य है, जीवन मूल्य है। ये जीवन मूल्य एक दिन में नहीं बने, वर्षों वर्षों इन जीवन मूल्यों को गढ़ने के लिए हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है। उसमें हमारी ऋषि परंपरा है, उसमें हमारी महर्षियों की परंपरा है, उसमें हमारे गुरुओं की परंपरा है। अनेकों संत महात्मा जिन्होंने जीवन अपने लिए नहीं जिया, जिन्होंने समाज के लिए जीवन जिया और जिन्होंने सदा सर्वदा इस समाज का मार्गदर्शन किया, ऐसे लोगों का योगदान जो है इन जीवन मूल्यों को गढ़ने में है। तो ये संस्कार, ये संस्कृति, ये जीवन मूल्य अबाध रूप से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमको हासिल होते रहे। संस्कार की गंगा अविरल रूप से इस देश की धरती पर बहती रहे, इसके लिए अगर छात्रों में कोई संगठन काम कर रहा है तो वो विद्यार्थी परिषद है। बड़ा ताज्जुब होता है इस महान देश के अंदर और इस देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, वहां पर भटके हुए युवा अगर नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। 1947 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया, लंबी गुलामी से हम आजाद हुए। और अगर हम याद करें कि 1857 और उससे भी पूर्व एक आंदोलन इस देश को आजाद करवाने के लिए जो शुरू हुआ था और जिसकी परिणति जो है, इसका समापन जो है 1947 में हुआ, तो ये देश आजाद हुआ उसमें किन लोगों की भूमिका थी, मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूं कि वंदे मातरम का नारा लगा करके 17 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष ऐसे नौजवान लोग जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगा करके फांसी के फंदे को चूमा, अपने रक्त का बलिदान जो है, अपने रक्त का हवन जो है उन्होंने इस देश की आजादी के लिए किया, उन युवाओं का योगदान जो है इस देश को आजाद करवाने में था। आजादी के पश्चात ये वामपंथ की धारा जो है हमारे देश में बड़ी बलवान तो नहीं हुई, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत प्रचारित और प्रसारित हुई। प्राकृतिक रूप से समाज में कुछ विभिन्नताएं रहती, छोटा बड़ा रहता, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर कुछ लोग जो है इन विभिन्नताओं को एक दूसरे से अलग करने का माध्यम अगर बनाए, प्रांतीय आधार पर, जातीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोली के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, एक ऐसा भाव जो है इस देश के अंदर पैदा करने का प्रयास करें कि नहीं भाई आप एक दूसरे से अलग हैं, आप कभी एक नहीं थे, अगर इस प्रकार का भाव कुछ छात्र संगठन इस देश के अंदर लेकर के चले। और उन्हीं छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं उन युवाओं की भूमिकाओं को, उन युवाओं की भूमिका को जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगा करके फांसी का फंदा इस देश की आजादी के लिए चुमा था, हमारी भलाई के लिए चुमा था,
आपकी भलाई के लिए चुना था, हमारे इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए चुना था। मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। विद्यार्थी परिषद के जितने कार्यकर्ता, पूर्णकालीन कार्यकर्ता, छात्र, महाविद्यालय परिसर में काम करने वाले कार्यकर्ता, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप ऐसे छात्र संगठन के साथ जुड़े हैं जो छात्र संगठन देश प्रेम की भावनाओं को हमारे नौजवानों के अंदर जो है संचारित करने की का जो है काम जो है वर्षों से कर रहा हूं। आज मैं, क्योंकि 12 जनवरी आ रहा है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में हम मनाएंगे, और विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद को एक आदर्श लेकर के चलती है। हम अपना आदर्श पुरुष इसको मानते हैं, तो हम स्वामी विवेकानंद को, जो कि स्वयं एक युवा थे और जब वो शिकागो गए, जब वो अमेरिका गए, तो पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने इस देश की संस्कृति से, इस देश के संस्कारों से, इस देश की महानता से अगर शेष विश्व को परिचित करवाया था, तो स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। पूरे विश्व को लगा था कि जिस देश को हम भिखारियों का देश समझते थे, जिस देश को हम तमाशगीरों का देश समझते थे, जिस देश को हम जादूगरों का देश समझते थे, और जैसा हम इस देश को समझते थे कि यहां पर तो जाहिल, अनपढ़ और गंवार लोग होते हैं, तो ये हमारी धारणा गलत थी। अगर वास्तव में कोई महानतम देश इस विश्व में है तो भारत वर्ष है। अगर भारत का ये परिचय शेष विश्व से किसी महान शख्सियत ने करवाया था, तो किसने करवाया था? स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। विद्यार्थी परिषद 12 जनवरी को मनाएगी, विविध कार्यक्रम जो है वो जयंती के उपलक्ष्य में जो है पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में होंगे, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। विभिन्न जो सामाजिक सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, उनसे जुड़कर भी विद्यार्थी परिषद काम करती है। जब स्वच्छता का विषय आए, जब रक्तदान का विषय आए, जब पर्यावरण रक्षा की बात आए, और जब इस देश से जुड़े ज्वलंत विषयों के संबंध में अपनी आवाज बुलंद करने का जो विषय आए, जिन विषयों की ओर सम्मानीय चमन ठाकुर जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है, उसमें भी विद्यार्थी परिषद जो है सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है। मैं उन सब प्रतिभागियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं जो आज यहां इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का माध्यम लोगों को संस्कार से जोड़ना है, कार्यक्रम का माध्यम लोगों को देश प्रेम की भावना से जोड़ना है, कार्यक्रम का माध्यम एक रचनात्मक प्रवृत्ति हमारे युवाओं के अंदर पैदा हो, इस समाज के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है, ये दायित्व बोध हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, हमारे युवाओं के अंदर पैदा हो, ये कार्यक्रम का निमित्त है। आज जो प्रतिभागी यहां आकर के पुरस्कृत होंगे, और आगे चल करके मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्रवादी संगठन से जुड़कर, इस संस्कार पूर्ण संगठन से जुड़कर, देश प्रेम के लिए और देश को अक्षुण रखने के लिए, इस देश की भलाई के लिए अगर जीवन का दान भी करना पड़ेगा, तो हम अपने जीवन का दान भी देंगे। इस भावना को प्रचारित करने वाला, इस भावना को संचारित करने वाला अगर कोई संगठन विद्यार्थी परिषद है, अगर कोई संगठन है तो विद्यार्थी परिषद है। इस संगठन से जुड़ करके आप आजीवन काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं भी आपसे करता हूं। आप सबको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, और मुझे यहां आकर के इस कार्यक्रम में आपने शामिल होने का मौका दिया है। एक बार फिर से अपने पुराने दिन जो है मुझे याद हो गए हैं, अनेकों कार्यक्रम जो है वहां विद्यार्थी परिषद के यहाँ इस कार्य सभागार में भी हुए, जिसमें मेरी भी उपस्थिति रही है। छात्र के तौर पर जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था, तो अपने वो दिन भी मुझे याद आए हैं, और ऐसा लगता है कि सामने जो जितने लोग बैठे हैं, ये अपना ही परिवार बैठा है, और इस परिवार का हम भी एक हिस्सा हैं। व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, जाती हैं, आज ये वर्तमान दायित्व मेरे ऊपर है, हमेशा दायित्व नहीं रहने वाला, लेकिन जब नहीं रहेगा, तब भी एक राष्ट्रवादी सोच को हम आगे चलेंगे, राष्ट्रवादी सोच को लेकर के हम आगे चलेंगे, अपने संस्कारों को कभी छोड़ नहीं सकते।